Good morning, Mohit. Today you are late for 5 minutes. Yes, ma'am. Okay, how are you? Ma'am, I am fine. And how is everyone at home? They are also good. Also good? Okay. Now please share what you want to share first at the beginning of the class. Nothing is hard if you break it down into small jobs. Very good. I repeat my thought. Nothing is hard if you break it down into small jobs. Very good. Now please give the meaning of it. And the meaning of the thought is there is nothing hard if you break it down into small jobs. Okay. If you do it, work on it partly, in a small part, then it will not be difficult ever. Okay, very good, very good. Now, have you corrected the diary entry? Yes, ma'am. Now read it with the correction. Dear diary, today I am... मैम शेयर्ड रिपोर्टर मैम शेयर्ड हुए करना मैम शेयरिंग की जगह हाँ आई शेयर्ड माय वीक टुडे आई एम शेयर्ड माय वीक दैट टुडे इन मॉर्निंग वी डिसाइडेड टू सेलिब्रेट मदर्स डे एट होम वी प्लान्ड टू मेक आवर स्ट्रॉबेरी एंड डेकोरेट आवर हाउस आफ्टर लंच वी सेलिब्रेटेड मदर्स डे एंड माय मदर कट द केक And me and my brother have already made a greeting card and I made a poster for my mother on Mother's Day. Then we wish him a great very Mother's Day and also give a greeting. We also taped many photos and make video. How we celebrate? Then we ate cake. And cake is so tasty. We played many games on Mother's Day, like me and my brother singing song on Mother's Day and many more. We celebrate till evening. We all together clean our house and eat dinner. Bye bye, dear daddy. Now mother is calling me for sleeping. Okay. Well, it is very good. Again, it is very good. But there are 2-3 mistakes. Made, have you written it made or M-A-K-E-D, maked? Kya likha hai? Ma'am, made. M-A-D, made. Or take ka kya likha hai, past tense? Ma'am, take. Taked nahi. Take ka past tense, took. T-O-O-K, took. Okay, ma'am. And give ka past tense kya likha hai aapne? मैम गिव का मैम ओनली गिव ना गिव विल बी गेव पास्ट टेंस विल बी गेव ओके मैम हाँ एक बार फिर से पढ़ो और शुरू में जो फर्स्ट लाइन यू रोट दैट आई एम शेयरिंग हाँ वो वाला होगा आई एम शेयरिंग बिकॉज एट द टाइम ऑफ राइटिंग दैट विल बी इन प्रेजेंट तो वो शेयर्ड नहीं होगा वो आई एम शेयरिंग जैसा लिखा है वही होगा But rest of the thing, whatever you did during the day, those things will be in past. I celebrated, I decorated, I made, I took, I gave, etc. ठीक है? बाकी चीजें past tense में होंगी. ठीक है? Okay, ऐसा करना बेटा. I will give my email ID. You will send me your this one, whatever you have written for your homework. So मैं कल मैं उसको चेक करके बता पाऊंगी एक्चुअली कि कहाँ आपका मिस्टेक है ठीक है हाँ ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यस आर्टिकल आर्टिकल मीन्स स्पीच स्पीच में कोटेशन हैव यू फाउंड टू कोटेशंस नो मैम आई नॉट रिमेम्बर व्हाई यू हैव नॉट रिमेम्बर प्लीज राइट डाउन द होमवर्क प्लीज राइट डाउन द होमवर्क मैं तो भूल जाते हो है ना You, I told you on that day. Two quotations, okay? Importance of worker. Okay, ma'am. ठीक है? दो quotations उसमें लिखना है.
और इसको भी डायरी एंट्री में भी वॉट एवर मिस्टेक्स यू हैव डन प्लीज रेक्टिफाई देम एंड नाउ टेक वन मोर डायरी एंट्री. अब किसी और एक टॉपिक पे लिखो. कौन से टॉपिक पे लिखोगे? एनीथिंग, एनी मैच यू प्लेड, एनी गेम यू प्लेड या एनीथिंग यू कुक्ड, ऐसा कोई टॉपिक बोलो जो जो तुमने एक्चुअली किया है तो दैट विल इंटरेस्ट यू. जो तुमने एक्चुअली किया है, एनी बुक यू रेड. ड्यूरिंग जब से हॉलीडेज शुरू हुआ है, एनी बुक यू रेड और एनीथिंग स्पेशल यू डिड और एनी गेम यू प्लेड और एनी मूवी यू वॉच्ड, इसी भी एक कोई भी एक चीज बोलो जो आपने किया है. स्टोरी पढ़ी है कोई? एनी स्टोरी यू रेड? यस मैम. हाँ, स्टोरी पढ़ी है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी? यू शुड रीड एज मच एज पॉसिबल. यू शुड रीड, जितना पढ़ोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतनी आपको इंग्लिश का यूज करना आएगा. यू हैव टू, ओके, यू रीड एज मच एज पॉसिबल. इंग्लिश स्टोरीज पढ़ो, इंग्लिश मूवीज वॉच करो, ओके, देन यू विल नो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, ओके, द स्टाइल ऑफ प्रोनाउंसिएशन. सो दैट यू हैव टू डू, ओके. तो अभी तो एक टॉपिक बताओ, विच एवर टॉपिक यू वॉन्ट टू. लास्ट ईयर कहीं गए थे, कुछ स्पेशल किया था, थिंक एंड टेल मी एनीथिंग. अच्छा, होमवर्क में क्या डायरी है तुम्हारा? ओके, होमवर्क, योर होमवर्क इज कि वॉट यू डिड इन योर समर वेकेशन, ऐसा कुछ है ना आपका होमवर्क का टॉपिक है. तो वो तो आपको एंड ऑफ द मंथ लिखना है, पर अभी तक आपने जो भी किया उसके ऊपर एक लिख दो मुझे. ओके, 15 डेज आर ओवर दैट यू आर ऑन ऑन लीव. हॉलीडेज चल रहे हैं, 15 दिन से ज्यादा हो गए है ना. तो ड्यूरिंग दीज 15 डेज वॉट एवर यू हैव डन प्लीज राइट अ डायरी एंट्री ऑन दैट. शेयर योर एक्सपीरियंसेस. मैम कैन यू रिपीट? ओके, राइट अ डायरी एंट्री. क्वेश्चन विल बी राइट अ डायरी एंट्री. Yes, sharing your experiences. During summer vacation. When you write your experiences, that means all the experiences are over, है ना? सब आप experience कर चुके हो. So you should write in past tense. Understand? Okay. ये आप लिख के रखना, day, date and time, and then your experiences, and end with your initial, means first name or nickname. Full name नहीं लिखोगे, ठीक है? चल. Now let us begin our class of conjunction. You said that on ma'am, that. Have you seen? I sent my grammar content. Okay, I have not seen it yet. After this class, I will see it. Okay. So today you want to know about conjunctions, na? Ma'am, mummy ne kaha hai ki main kuch aur karwa dungi, ma'am. Conjunction nahi karna hai. तो मैं मम्मी ने मना कर दिया. तो कौन सा करना है बोलो? डू यू वॉन्ट टू नो द रिपोर्टेड स्पीच? आता है आपको करना एक्टिव पैसिव रिपोर्टेड स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट. डू यू नो हाउ टू डू डायरेक्ट इनडायरेक्ट? यस मैम. चलो आज थोड़ा सा रिवीजन कंजंक्शन सक कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं विच आई हैव मेड. ओके, मैं वो वीडियो एक भेज दूंगी, उसको देख के रखना, देन आई विल डिस्कस यू ऑन दैट टॉपिक. आज कंजंक्शन का डिसाइड किया, आज कंजंक्शन कर लेते हैं. बिकॉज इन द कंजंक्शन देयर आर मेनी वर्ड्स, यू शुड नो हाउ टू यूज दोज वर्ड्स. ओके, now conjunctions. Conjunctions, put the heading as conjunctions.
Conjunctions are also called joining words or connectors or linkers. तो conjunctions को हम क्या बोलते हैं? Joining words भी बोलते हैं, connectors भी बोलते हैं और linkers भी बोलते हैं. Why do we call it joining words? Any idea? Yeah, they join two words. They join two sentences, sometimes two words, sometimes two phrases, sometimes one word and one phrase. Okay? So it is the work of conjunction is to join the two part together. Okay? Whether it is that part of the sentence or it two sentences, etc. Now, can you give me few examples of conjunctions? Yes, ma'am. Bolo. Yes, ma'am. Bolo. What are conjunctions? ओके नहीं याद आ रहा तो लिख लो चलो. एंड कंजंक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ओके तो मैं अभी वो डिफरेंट टाइप्स ना पढ़ा के जनरल करवा देती हूँ आपको. ठीक है कंजंक्शंस एग्जांपल है राजू एंड मीना आर प्लेइंग टुगेदर. ओके राजू एंड मीना आर प्लेइंग. ओके तो एंड इज अ कंजंक्शन. वेरी गुड एब्सोल्युटली राइट लिख लो. एंड अच्छा दैट मीन्स फर्स्ट वर्ड इज एंड. First conjunction is and. लिख लिया? Okay. No. Now tell me the next conjunction. Now next sentence. नेक्स्ट विथ सम अदर कंजंक्शन एंड से नहीं किसी और कंजंक्शन से. ओके मैम. ओके इट इज बेटर यू फर्स्ट राइट कंजंक्शंस कौन कौन से हैं वो लिख लो. एंड कॉमा बट कॉमा फॉर मैम व्हाट इज आफ्टर बट For. Mam, for. F-O-R, for, for. Mam, for. Comma, or, O-R, or. Comma, still. S-T-I-L-L, still. Comma, yet. Y-E-T, yet. Comma, no. So. Comma, otherwise, comma, nor, comma, neither, nor and neither, एक साथ आ सकता है, nor, nor, hyphen, neither, है ना, nor, neither, N-E-I-T-H-E-R, neither, comma, either, E-I-T-H-E-R, either, comma as well as etc. These are called coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions. Likh lo. These are called coordinating conjunctions. कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग को कैसे लिखोगे बोलो. नहीं नहीं एक सेकेंड सी ओ को हो गया ऑर्ड ऑर्डिनेटिंग कैसे लिखोगे मैम कोऑर्डिनेटिंग. यस कोऑर्डिनेटिंग C-O-O-R 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 C-O-O-D तोड़ तोड़ के लिखो ब्रेक कर करके लिखो को सीओ हो गया
और ओ आर हो गया, डी कैसे लिखोगे? डी आई कोडी नेटिंग, नेटिंग कैसे लिखोगे? एन ए टी आई एन जी, राइट, लिखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ओके, दीज आर ऑल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. नाउ नेक्स्ट वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. नाउ राइट द वर्ड्स. दूसरा हेडिंग है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ओके, द वर्ड्स आर दो, टी एच ओ यू जी एच, दो. मैम व्हाट? टी एच ओ यू जी एच, दो. नेक्स्ट इज ऑल दो, ए एल टी एच ओ यू जी एच, ऑल दो. नेक्स्ट इज सिंस, एस आई एन सी ई, सिंस. नेक्स्ट इज आफ्टर. नेक्स्ट टिल, टी आई एल एल, टिल. नेक्स्ट अंटिल, यू एन टी आई एल, अंटिल. नेक्स्ट एज, मैम हैज, एज, ए एस, एज, एज. ओके मैम, डन. आफ्टर दैट बिकॉज, मैम डन. देन बिफोर, अब लिखो बिफोर, कॉमा इफ, इफ आई एफ, इफ, कॉमा वाइल, डब्ल्यू एच आई एल ई, वाइल, comma when, comma whether, w h e t h e r, whether, comma lest, l e s t, lest, comma as if, remember, as if, it's a s, as i f, if, as if. Next is as soon as, after that as long as, then now it is, now you write T H A N, then T H A N, than, etcetera. Okay, so these are subordinating conjunctions, and earlier we have written about coordinating conjunctions. Coordinating conjunction is when two coordinate sentences are joined by the those words, that is called coordinating conjunctions. And when one principal clause and one subordinate clause is joined by these words, this is called subordinating conjunctions. Now you have to know how to use them. And का आपको पता है, but भी पता है ना, कौन सा word है जो आपको नहीं पता? Nor neither, nor neither. Can you use a sentence nor or neither? No. Try to use it, nor and neither. नॉर मतलब नहीं, ना तो ये ना तो वो. नॉर निदर का मतलब है ना तो ये ना तो वो. नॉर, नाउ अ सेंटेंस आई एम गिविंग यू, नॉर ही केम टू माय हाउस, नीदर ही रोट मी अ लेटर. ना तो वे मेरे घर आया और ना उसने मुझे कोई लेटर लिखा. ओके,
तो नॉर ही विजिटेड मी नीदर ही कॉन्टेक्टेड मी, ना तो उसने मुझे मतलब आई हैव नॉट मेट हिम फॉर, ऐसे करो, आई हैव नॉट मेट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉर ही विजिटेड मी नीदर ही मैसेज्ड मी। ओके, समझ में आ गया। अब एक सेंटेंस और बोलो, अब अपने आप बोलो नॉर नीदर। Anything, any sentence, anything. Yes. He can neither read nor write. Another sentence. Nor he playing with me. Neither he is at house. Okay. Nor he is playing with me. Neither he is at his house. Okay. ठीक है. एक और sentence दो. दोनों ना दो. The both the sentence. हाँ लिखना है, लिख लो. नीदर से पहले लिखना, नीदर ही नो मी, ऐसे कर लो एक सेंटेंस, नीदर आई नो हिम नॉर आई हैव एवर मेट हिम, ना तो मैं उसको जानता हूं और ना कभी उससे मिला हूं, नीदर आई नो हिम नॉर आई I have ever met him. Neither I know him nor I have met him. ये भी कर सकते हो. Okay. अब अपने आप एक सेंटेंस बोलो. And both the sentence should be in a same level, है ना? Mam, of nor and neither. हाँ, neither और nor का एक sentence बोलो पहले।